का गोला है भाई, 40 का भाई, बगल वाला 30 रुपए का बेच रहा है, ये होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कोई। अगर नहीं बेच रहा होगा मैं तुम्हें भाई, बगल वाले 30 का बेच रहे हैं गोला, 40 का बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि दिखाओ, मैं अगर दिखा देगा तो मैं फ्री में दे दूंगा। तुम तो हुआ है किस लिए 30 और 40 रुपए के ना पहुंचे, 30 का तुम्हें पड़ा कि नहीं पड़ा ये बताओ। मैं अपना नाम लिखूंगा, मुझे अपने से ज्यादा प्यार। अच्छा, सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, फ्रेश व्लॉग। तो गाइस सुबह हो चुकी है, सुबह नहीं दोपहर हो चुकी है, दोपहर कितने बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं करीब, और मेरी अब क्लासेस एंड हो चुकी हैं भाई। तो मैंने सबसे पूछ लिया, सर से पूछ लिया, क्लासमेट से पूछ लिया, क्लासेस एंड हो गई हैं, कोई मुझे क्लासेस नहीं है, सीधा एग्जाम्स है, तो एग्जाम्स की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है। बाकी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मैं चूतिया लग रहा हूँ, मुझे पता है मैं तैयार नहीं हूँ, तो मैं तैयार होने का मन भी नहीं कर रहा क्योंकि धूप निकली नहीं है, बरसात भी हुई है, मुझे लग रहा है मौसम देखो कितना ठंडा लग रहा है, एकदम कूल लग रहा है, नहाने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा मौसम चेंज रहता है तो फिर थोड़ा तबीयत भी गर्म हो जाती है भाई, मेरे पूरा शरीर गर्म गर्म लग रहा है, तो मैं नहाऊंगा तो नहीं आज, पक्की बात है। यूथ वाइब आ गया है, यूथ वाइब फेस्ट होता है भाई, 3 दिन के लिए चलेगा, इसमें कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं आपको कितना कैसा प्रोग्राम सजा हुआ है, क्योंकि पूरे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, एकदम मज़ेदार आ जाएगा आपको मज़ा। तो गाइस मुझे गंदा बनना पसंद नहीं था तो मैं तैयार ही हो गया, और आज मैंने पग भी चेंज कर ली है, मैरून पग पहनी है और तैयार में हो गया, शर्ट पहन के जींस पहन के, और चलते हैं यूथ वाइब की तरफ, देखते हैं क्या है क्या सीन। बाकी दीप भी वहीं होगा तो दीप से ही मिल लेंगे अगर होगा तो, ठीक है। यार नहाने का मन नहीं था लेकिन अब यार एकदम से पता नहीं क्या मन हुआ कि यार अजीब मतलब पसीना पसीना एकदम गंदा महसूस हो रहा था अपने आप को, तो मैं कहा नहा लेता हूँ यार, अब धूप भी निकल आई है, मौसम सुबह साफ था एकदम ठंडा मौसम था और अब धूप भी आ गई है, ये देखो अब चलते हैं यूथ वाइब, ठीक है चलो। और यहाँ पर क्या चल रहा है, यूथ वाइब फेस्ट चल रहा है 2023, और यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं ये देखो, और सिंगिंग कॉम्पिटिशन नहीं मतलब सिंगिंग वगैरह हो रही है। 3000 मिलेगा जो गाएगा अच्छा, अच्छा जो अच्छा गाएगा उसको 3000 रुपये मिलेगा, तो गा लो ना, तुम्हें तो आते ही हो, तुम तो गाते ही हो, अरे गा लो भाई 3000 मिलेगा, ऐसे ही गाऊंगा 50 तो गाली मारेंगे। गाइस यहाँ पर स्टॉल लगे हैं तो हम लोग एक एक करके स्टॉल सारे कवर करेंगे, कोशिश करेंगे आज कवर कर लें, क्योंकि मैं आज ही आऊँगा उसके कल फिर नहीं आऊँगा, क्योंकि सेम ही स्टॉल लगे होंगे, ठीक है। देख लो एकदम उसी तरह बने हुए जिस तरह हम लोगों ने पहले वन वर्ल्ड जिस तरह था ना उसी तरह का बना हुआ स्टॉल वगैरह, बस थोड़ा डिफरेंट है भाई। कुछ मिलेगा जीतने उतने पे कुछ प्राइस वगैरह है? क्या करना पड़ेगा? हेडफोन है, सिंगिंग कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करो, हेडफोन मिलना ही है, मतलब सिंगिंग कर दो तब मिल जाएगा, कि उसमें कुछ जीतो तब कंपटीशन कर देने। दीप लिखवा लो, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा लो इस पर, है ही नहीं वो जो लिखवा भी लेते एक बार। तो गाइज यहाँ पर टैटूज की भी शॉप लगी हुई है, परमानेंट टैटूज बनाते हैं हमारे कमल भाई साहब, कमल टैटूज करके नाम है इनका, बहुत बड़े आर्टिस्ट है आर्टिस्ट कमल टैटूज, मैंने इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो किया हुआ है, आप चाहो तो आप भी फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे टैटूज बनाते हैं, तो आप चेकआउट कर लो, ये देखो भाई सब बनवा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या लिखा स्ट्रीट वाइज जो भी है, क्या स्प्रे से अपना नाम वगैरह लिख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। फिर भाई क्या लिखने आ रहे हो? मैं अपना नाम लिखूंगा, मुझे अपने से ज़्यादा प्यार है। अच्छा अच्छा, फिर भाई अपने घर का नाम लिखेंगे, इसमें ढूंढो दिक्कत आ रहा है, नहीं ढूंढ पाओगे, बहुतों ने अपना नाम लिखा है, तेजलों ने अपना नाम लिखा है, अपनी गर्लफ्रेंडों का नाम लिखा है, पर मैंने जो अपना नाम लिखा। तो गाइस दूसरे नेक्स्ट स्टॉल पे आए, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये स्टिकर्स वगैरह बेच रहे हैं लोग, और चल रहा एक बना डबल पोस्टर, अरे टेम्पलेट चेंज होता है, नॉर्मल कैमरा में हो जाएगा ना, ये नॉर्मल आपकी पोस्टर है और आप अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो मतलब ए आर से एक ऐप पे, अच्छा आर्टिवाइव करके, उस आर्टिवाइव ऐप से आप यहाँ पे जितनी डिजाइनें दिख रही है सब साइज का, अच्छा सब मोशन मिला सकते हैं, सब आप मोशन मिला सकते हैं जी, बिल्कुल भाई बिल्कुल, उसमें ऐप करो इसमें जी, इसमें अगर हम भी आएंगे छोड़ देंगे, व्हिच वन डिड यू कॉल, मगड़े
जो भी एनिमे बेस्ड है, एनिमे हमारा नीश है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आर्ट भी नहीं बेच सकते. दीज आर ऑल आर्ट बेस्ड, दिस इज आर्ट बेस्ड. बट अगर आपको एनिमे वाला चाहिए तो एनिमे वाला भी मिल सकता है. छोटे वाले हैं आज जस्ट 50, द बिग वंस आर 100. 100 है, 100 के बड़े हैं और 50 के छोटे वाले. जी जी ठीक है भाई, थैंक यू. तो गाइस ये बढ़िया था. ये AI जो ऐप से हम लोग मोशन मिला सकते हैं किसी पोस्टर को, देखो दुनिया कितनी एडवांस हो गई है भाई. ये तो मैंने पहली बार जिंदगी में देखा, अच्छा लगा, नया चीज़ देखा, अच्छा लगा, बढ़िया. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल पे, ठीक है. तो आजा गोरे, आजा छोरे, नाटू नाटू नाटू, डांस कर दो एक बार. इतना अच्छा डांस है, नाटू 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 नाटू. आपका लिखा हुआ है द प्राइड ऑफ इंडियन फूड, दुकान खुल गई, बताओ. फेमस गाना हो गया और ऑस्कर अवार्ड जीत गया, तो अब ये इन्होंने इन्होंने चार्ट बनाने स्टार्ट किया. तो गाइज एक लड़की मिली, वो कह रही कि ट्राई कर लो, खा लो ये स्टॉल वगैरह. मैं कह नहीं खाना है. कह रहा मन कर जाएगा जब खा लोगे तो. हम कहे मन पहले करता है, उसके बाद इंसान खाता है. और ये सब लोग उम्मीद में है, हम लोग तैयार हो गया है, लग रहे हैं एकदम टॉर वाले. तो इनको लग रहा है कि पक्का कुछ ना कुछ खा के जाएंगे, आलिशान घर से. पर उनको क्या होता है, हम लोग नहायती गरीब घर से हैं, तो हम लोग तो कुछ नहीं खाने वाले हैं, ऐसे हम लोग टहलने वाले हैं भाई. सिंपल सी बात है भाई, बिना पैसे खर्च किए व्लॉग बनाएंगे बढ़िया और एंजॉय करेंगे, ठीक है. पैसे खर्च करने में कुछ नहीं रखा है भाई, पैसे कमाओ और कहीं और खा लेंगे. पैसा कमाओ, यहाँ पे लोग स्टॉल का पैसा ही लोग देना इनको, तो लोग और लेंगे ना, महंगा करके बेचेंगे, इससे अच्छा कि हम लोग बाहर खा लेंगे, अलग खा लेंगे. तो गाइज यहाँ पर एक गेम चल रहा है, फ्री लस्सी ऑन गेम. तो यहाँ पर आपको 30 रुपये की लस्सी लेनी है और यहाँ पर आपको एक गेम खेलने को मिलेगा और 3 बॉलें मिलेंगी. अगर आपने तीनों बॉल से ये गिलास उड़ा दिया तो आपको लस्सी मिल जाएगी और आपके पैसे ही वापस आपको मिल जाएंगे. तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है इन लोग की स्टॉल में, तो काफ़ी अच्छा लगा ये लोग. तो ये गेम खेल रहे हैं हमारे भाई. लस्सी तो पिला दे यार, पिला तो भाई बेचारे को यार, ऐसा मत करो यार. तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है बाय टू गेट वन फ्री, है ना. अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं दो खरीदूँ और जो एक आप फ्री दे रहे हो मैं फ्री ना लूँ. मैं 30 रुपये में नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे आप 15 रुपये दे दो, आधा आधा कर दो, हो सकता है सर? ऐसा हिसाब निकालो यार भाई, दो ही लोग हैं, तीन कैसे खा लेंगे तुम? ये तो तीसरे को लेके आओ आप. अगर अगर आप दो भाई, मान लो कपल है, हम दोनों कपल हैं, तब क्या करें? नहीं कह रहे हो कि अगर तीसरा आप दे दो उसका 15 रुपये दे दो, 30 में मत दो, 15 रुपये दे दो. नहीं स्ट्रैटेजी तुम लोग अलग अलग बनाते हो. व्हाट्स अप ब्रो, यू गो ब्रो, यू ग्रो, या गो ब्रो, स्पीक इन हिंदी. या चो मी, आई डोंट नो हिंदी ब्रो, आई डोंट नो इंग्लिश ब्रो. यो प्लीज ब्रो, यू स्पीक इन इंग्लिश ब्रो, कम ऑन, स्पीक इन हिंदी ब्रो. ब्रो यू आर इन इंडिया ब्रो, प्लीज स्पीक इन हिंदी. दिमाग के काओ जबा के जाओ. What is this bro? Can this I is white, white laughing, shaking, laughing. Come on, come on, come on, come on. Yeah, you are smiling. Yo, you put the hand. Oh, yo, come on, bro. Fingering, bro, fingering. What's up, guys? Come on, please have some love and show some love, guys. I just finger this and ये देख लो jelly jelly सा jelly jelly सा निकल गया ये देखो. I want tissue. What else you want, bro? Come on, everything is. I want tissue, tissue. I want tissue. Yeah, come on, give me some tissue from the boy. Okay, thank you, bro. Thank you. Sardarji, thank you, bro. Okay, bro. Okay, bro. Put your glasses. Looking smart, bro. You're looking nibba. West side, bro. Nice goal, bro. भाई कितने का गोला है भाई? 40 भाई, बगल वाला 30 रुपए का बेच रहा है, ये होता है. ऐसा हो ही नहीं सकता कोई चीज. अगर नहीं बेच रहा होगा मैं तुम्हें पैसे दिखाओ. चल चलो आओ चलो आओ चलो. भाई बगल वाले 30 का बेच रहे हैं गोला, ये 40 का बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि दिखाओ. मैं अगर दिखा देगा तो मैं फ्री में दे दूंगा. चलो चलो. वैसे फ्री वाली लाइन तुमने खुद जोड़ी है. हाँ ठीक है, वो जोड़नी पड़ेगी ना भाई. हाँ देखते हैं. तो कुछ ना कुछ भाई भगा रहे हो तो बताना पड़ेगा ना. कहाँ गई? बोले उधर चलेगा, उधर से उनसे बात करो भाई, कितने का बेच तो गाइस 30 रुपये का वो 30 रुपये का वो लोग बेच रहे हैं, ये 40 का बेच रहे हैं. हम लोग देख रहे हैं कि अगर गलत होगा तो भाई हमें वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं? ये कौन है? कोई बात नहीं, हेलो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. कौन सी? ये हमारी कश्मीरी गर्ल है. कोई बात नहीं, तो बात हो रही है इसकी. क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई? धोखेबाजी हो रही है, धोखेबाजी. टेस्ट का फर्क है भाई, टेस्ट का फर्क है. अब टेस्ट करें दोनों को.
आप फ्री खिलाओ भाई भाई मैं ब्लॉगर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा भाई, ऐसा सा मेरे साथ हुआ है, धोखा ना हो जाए। नहीं धोखा फ्री खिलाना पड़ेगा, धोखा तो नहीं होगा। हाँ भाई फ्री खिलाना पड़ेगा, इसकी क्वालिटी हो इसमें, ये कोई बात नहीं होती। अरे देखो बात भी करे, बात अब एक आदमी इतना भर के दे रहा है, बात ये कैसे हो रहा है, बात यहाँ पे खाने की है, बात नहीं खानी है, नहीं खानी। अरे नहीं खाना, सुनो भाई, देखो भाई प्रूव हो गया, 30 रुपए की है भाई, तू लोग 40 की बेच, अभी कह रहा बर्फ का भर गया भाई, बात ये थी कि 30 रुपए की 40 की है, तू ये फ्री खिलाओगे, गद्दारी कर बे, किस लिए 30 और 40 रुपए के ना पहुंचे, 30 का तुम्हें पड़ा कि नहीं पड़ा ये बताओ, बात हुई थी 500 रुपए की, बात हुई थी पैसे की, 30 और 40 रुपए की, क्वांटिटी की बात ही नहीं हुई, क्वांटिटी की बात नहीं थी। तो अगर तुम अगर बंदा आएगा यहाँ पूछेगा भाई कितने का दे रहे हो, भाई यहाँ पर आएगा कितने का दे रहे हो, तो कहेगा 40 का, वहाँ पूछो 30 का, तो क्वांटिटी बंदा नहीं देखेगा, भाग जाएगा पहले ही प्राइस सुन के। गद्दारी कर दिया भाई, चलो भाई यहाँ पर क्या चल रहा है बताओ भाई, ये गेम है उसमें आपको 6 बॉल्स मिलेगी, अच्छा उसमें आपको 31 से ऊपर या 12 से नीचे स्कोर करना है, दिमाग वाला गेम है। अरे दिमाग वाले बहुत बड़े बड़े भाई, हम लोग से उम्मीद है तुम्हें। अरे आप कर लोगे, मैं अगर आप जीते तो आपको 40 का सीधा 80 मिलेगा, और एक हमारे साथ से फुल लेंथ फोटो हम खींच के देंगे अभी। अच्छा आप ट्राई करना चाहते हैं कपल फोटो, जो आपको जो भाई दिला दो तो भाई खेले भाई, तब तो बनता नहीं, है भाई, तब तो 40 के हमको 100 रुपए देते हैं, कपल दिलाओ साथ में, फोटो तो खींचो ना खींचो कोई दिक्कत नहीं, 550 पहले मेरे 200 तो दे दे पुराने। कमर तोड़ कॉफी है, कमर तोड़ पलंग तोड़ भी के कमर तोड़वा लो अपनी, ये लड़की तोड़ कॉफी है, लड़की तोड़ पलंग तोड़ भी के फिर लड़की तोड़ सकते। और भाई ठेके कॉफी क्या लिखे, मतलब कॉफी का ठेका है। हाँ कॉफी का ठेका, तो कॉफी का ठेका, ये फ्रेंचाइजी शार्क टैंक पे आया था ये। अच्छा नाम ही है ठेका कॉफी, नाम है इसमें क्या मिलता है भाई, मुझे पता नहीं है भाई, हम लोग कॉफी नहीं है, जानते हो बकचोदी करने कॉफी, वो समझ गया मैं आपको देख, बस समझे ही ना, बस वो मेरी शक्ल देखो चोरी टपकती है थोड़ी। चलो भाई आपकी शक्ल में दिख रहा है मुझे, हाँ कि बकचोदी लौटने। 100 के नीचे कोई नहीं है, 100 के नीचे क्या, महंगाई बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, 100 के नीचे चंदा मांगना यहाँ से स्टार्ट करो, 100 बंदे तो आराम से, यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, यहाँ बैठ के 1 रुपए लो भगवान के नाम पे, एक बोतल पी ले बाबा। चलो ठीक है भाई, थैंक यू भाई। We all wished you, right, on your birthday. Yeah. There's a lot of audience over here. Everybody wished you, right? They want a treat. Ladies and gentlemen, do you want a treat on Sai's birthday? Move in, hello. All right, so they want a treat. But I didn't get any gifts. Punch back. Return gift. Gift to mila nahi. Bhai, party. Sai's bhai ko gift nahi mila. Oi. Bahut bahut dhanyawad main dena chahunga yahan pe Yuborn ko. क्योंकि अपनी तरफ से उन्होंने इनको बहुत प्यारा सा तोहफा दिया है। यूबॉर्न आज किसी को निराश नहीं करेगा, जिसका बर्थडे था उसको यूबॉर्न की तरफ से गिफ्ट मिला है, तो भाई का भी बर्थडे आ रहा है, तो एडवांस बर्थडे गिफ्ट हम लोग मांगने जा रहे हैं, ठीक है, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसा भी यार गिफ्ट यार, ऐसा भी एडवांस बर्थडे यार, महीने एडवांस बर्थडे गिफ्ट बना लेना, ऐसे मन से है, मैं आज ही बना रहा यार, तुझे यार कल है, कितने हैं, कितने हैं, कभी महीने मई के आ गया ना एडवांस बर्थडे गिफ्ट, मैं उसे जाके कह रहे हैं मेरा बर्थडे है, नहीं नहीं प्रेजेंट भी चाहिए यार। गाइस अभी हम लोग आए हैं बीटेक जलेबी वाले, पर हम खा रहे हैं पकौड़ी, कॉफी देखो कैसे करते हैं, बीटेक चाय वाला, बीटेक चाय वाली, और ये बीटेक जलेबी वाले, हम लोग खोलेंगे बीटेक जलेबी वाली, एक लौंडिया को ले आएंगे, ठीक है, एक लौंडिया को हायर कर लेंगे, हायर कर लेंगे, हमने पकौड़ा ऑर्डर किया जो कि 40 रुपए का है, तो चटनी के पास है नहीं, पर हम लोग डाल लेंगे हिला हिला के, स्वाद अनुसार लग रहा खाने, बस देखने में देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में पता नहीं है, हालांकि हम लोग जलेबी वालों के साथ आए हैं, साथ में रिव्यू भी देखनी है आपको, जब तक आप लोग देखोगे तब तक तो हम भी हो जाएगा, ठीक है, साथ में कुछ पीने का मन कर रहा है, चलो वीडियो बन जाए, बताया ना एक बार अपने दर्शकों को बताओ यार, ऐसे हो गया गाइस, ऐसे हो गया था, मैं ऐसे था, मैं चलो मैं सोचा कि चलो यार फोटो खिंचा लेते हैं, मैं ऐसे 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 गिर गया, ऐसे इससे बुरा गिरा था और पीछे बैठा था ये,
और पीछे हो गया था ये यहाँ कहीं बैठा था बस गिरने वाला था बच गया बच गया। और अब हम लोग जा रहे हैं फोटोशूट कराने। हम लोगों ने स्टॉल वगैरह तो देख ही लिया, सब कुछ देख ही लिया है। हाँ। सारा काम हो गया है और अब कुछ ज़्यादा है नहीं, खाया पिया अभी हम लोगों ने पकौड़ी वगैरह बस, अब ज़्यादा मन नहीं है, जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल और थोड़ा इन्जॉय करते हुए जाते हैं दीपा के साथ। और बस अब चलते हैं और ये थोड़ा बहुत शूटिंग कर लेते हैं, बाकी रील की हम लोगों ने शूटिंग की अभी की है वो डालेंगे, जल्दी से अपलोड हो जाएगी, जितना वीडियो देखो उससे पहले अपलोड हो जाएगी। पर चलो अभी आए शूटिंग करने, ठीक है चलो। इस दीप के हॉस्टल में हम लोग आ गए हैं और दीप की चड्डी वहाँ टंगी हुई है, ये नहीं है ये देखो दीप की चड्डी, दीप की चड्डी, दीप की चड्डी पेड़ पर टंग गई है, हवा बहुत तेज चल रही है तो दीप की चड्डी, लाल लाल चड्डी, मैरून चड्डी चढ़ गई है। मैं यहाँ पे रूम ही नहीं, चढ़ाई हो रही है, चढ़ाई हो रही है, चढ़ाई हो रही है, चढ़ाई चड्डी की चढ़ाई हो रही है, कलर तुम्हारा पक्का और ये चड्डी मैच कर रहा है एकदम सेम टू डिटो है। बस जा लो भाई, गाइस किसका है ये? तो गाइस रात के बज गए हैं करीब 10 और अब मैं उठा था, खाना खा लिया वगैरह, बाकी यार सुबह धूप, सुबह एकदम ठंडा मौसम था, दोपहर में धूप निकल गई थी, फिर मैं नहा लिया, फिर अभी शाम को ठंडी हवा चल रही है, मतलब थोड़ा दो तीन दिन से मौसम बड़ा चेंज हो रहा है तो थोड़ा तबीयत में भी गड़बड़ आ रहा है, बुखार एकदम फील होता है, एकदम से है नहीं पर बुखार फील होता है, ठीक है थोड़ा एनर्जी वगैरह लो लग रही है, इसलिए मैंने केले वगैरह भी ले आया मैं और अब जा रहा हूँ आराम करने। बाकी जो आज का था वो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी मेरे 3-4 दिन बाद मेरा एंटम के एग्ज़ाम है तो मुझे उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, तो थोड़ा ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है अब तो थोड़ा वो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेगा मेरा वीडियो के अलावा, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो गाइज़ आज का ब्लॉग हमने यहीं पर एंड कर देते हैं, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आगे मैं और ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जब भी सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ऑल पर क्लिक करना, जब भी मैं कोई वीडियो ना तो आपके नोटिफिकेशन है सबसे पहले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।